विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दल बदल मामले में हाईकोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ विधानसभा के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई को टालने का आदेश दिया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार से मामले में 13 जनवरी तक जवाब मांगा है। बाबूलाल को बड़ी राहत, कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और स्पीकर से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट से आई खबर ने बाबूलाल मरांडी को फौरी तौर पर बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दल बदल कानून के तहत चलाई जा रही कार्रवाई को स्थगित करने का आदेश दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर 13 जनवरी तक जवाब मांगा है। बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ 10वीं अनुसूची का दल बदल का मामला विनिश्चय करते हुए उनको नोटिस दिया था कि आके अपना पक्ष आप रखिए। उसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी जी ने हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा के स्थापित कानून के तहत, उस कानून को मैंने नहीं बनाया। ये 2007 में यहाँ झारखंड विधानसभा संचालन कर नियम कानून बना है और उसी कानून के तहत हमने सुओ मोटो उनका केस को संज्ञान में लिया। इस मामले को लेकर जहाँ सत्तारूढ़ दल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, वहीं बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है। हम समझते हैं कि स्पीकर क्या के न्यायालय का एक अपना विशेषाधिकार है और जब तक वहाँ से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने जरूर हस्तक्षेप किया है, उस बात को लेकर के हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। देखिए, जीत हार का प्रश्न नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी को चुनाव आयोग ने भी भाजपा के विधायक के तौर पर मान्यता दी थी, उनके दल के पूरे तरीके से भाजपा के विलय को भी स्वीकृति दी थी और उसके बाद भी स्पीकर के कोर्ट में ये मामला चल रहा था और ये भी बड़ा विचित्र मामला था जिसमें ना कोई शिकायत करता था ना कोई गवाह। तो बहरहाल आज उच्च न्यायालय ने स्पीकर के इस कार्रवाई पे जो न्यायाधिकरण में चल रही थी उस पर रोक लगा दी और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई को स्थगित किया है, लेकिन बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला विधानसभा स्पीकर पर निर्भर करता है, क्योंकि जेवीएम के बिखराव के बाद जहां बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ चले गए, वहीं पार्टी के दो और विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लिहाजा दल बदल कानून के तहत इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। वहीं हाईकोर्ट बाबूलाल के मामले में स्पीकर और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के